नमस्कार, मैं हूं सुमैया अंसारी और आप देख रहे हैं यूथ कॉर्नर। निजीकरण को लेकर लगातार सातवें दिन विद्युत कर्मियों द्वारा जारी रखा विरोध प्रदर्शन। इंदरशाही नहीं चलेगी, निजीकरण बंद करो, निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। आज दिनांक 9 सितंबर 2020 को विद्युत कर्मचारी मोर्चा संगठन उत्तर प्रदेश प्रयागराज की इकाई द्वारा वर्क टू रूल का अनुपालन करते हुए भोजन अवकाश में भोजन त्याग कर मुख्य अभियंता वितरण प्रयागराज क्षेत्र प्रयागराज के कार्यालय में अनवरत सातवें दिन संगठन के पदाधिकारियों एवं सदस्यों द्वारा पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के विघटन एवं निजीकरण के विरुद्ध संगठन के प्रांतीय महामंत्री पीएन मिश्रा के नेतृत्व एवं जनपद अध्यक्ष अनुपम राय चौधरी की अध्यक्षता में धरना प्रदर्शन किया गया। सभा का संचालन विनय चौरसिया द्वारा किया गया। सभा को बीके पांडे क्षेत्रीय प्रमुख सचिव, अभयनाथ राय क्षेत्रीय सचिव, अखिलेश शर्मा कार्यवाहक क्षेत्रीय अध्यक्ष, अभिषेक दास ने संबोधित। सभा में संजय पांडे, हेमंत त्रिपाठी, एमएम रिजवी, अनिंत यादव, अनुपम श्रीवास्तव, एसपी तिवारी, सलीम अहमद, सुधीर नारायण यादव, सज्जन यादव, हितेश भटनागर, सुरेंद्र यादव, प्रमोद श्रीवास्तव, अर्चना कुशवाहा, गजाला, दशरथ कुमार, चंद्रशेखर, शहबाज अहमद, अखिलेश कुमार आदि सहित संगठन के सदस्य उपस्थित रहे। साथ ही संगठन के जोनल सचिव ने कहा कि जब तक उत्तर प्रदेश शासन एवं प्रबंधन द्वारा पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के विघटन तथा निजीकरण की कार्रवाई रोकी नहीं जाएगी, तब तक हमारे संगठन का विरोध प्रदर्शन अनवरत चलता रहेगा। हमारा विद्युत कर्मचारी मोर्चा संगठन जो है सरकार की विघटनकारी नीतियों के विरोध में जो है और विद्युत विभाग के निजीकरण के विरोध में जो है विगत कई दिनों से जो है अपने भोजनावकाश में जो है अपना विरोध प्रदर्शन करके हुए एक जागरण कर रहा है और सरकार का ध्यानाकर्षण करा रहा है कि आप हमारे कर्मचारियों के और प्रदेश हित में जनता के हित में जो है इस कदम को वह अर्थ दे लीजिए। और इसीलिए हम लोग अनवरत जो है सरकार का ध्यानाकर्षण भी करा रहे हैं और जनता को भी जागरूक कर रहे हैं कि इस निजीकरण के होने के बाद से उनकी क्या दुर्दशा होने वाली है, क्योंकि न तो किसी को बिजली मिल पाएगी कायदे से और न तो जो है उसका कोई सुविधा मिल पाएगी। आज कितने दिनों से आप लोग ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? सातवां दिन है आज हमारे धरने का सातवां दिन है और ये अभी चलता रहेगा। जो है अगर इसके बावजूद भी सरकार का अनियल रवैया बना रहा तो हम उसके बाद हम फिर जो है जा करके कोई दूसरी जो है रणनीति बनाएंगे जो है, क्योंकि निजीकरण हम किसी तरीके से भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा संगठन तब तक आंदोलित रहेगा जब तक जो है सरकार जो है निजीकरण की व्यवस्था को जो है बंद करने का जो है वो आदेश नहीं करती है। परिचय आपका? परिचय, नाम? पीएन मिश्रा, प्रांतीय महामंत्री, विद्युत कर्मचारी मोर्चा संगठन। विद्युत कर्मचारी मोर्चा संगठन के बैनर तले प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सरकार की निजीकरण, पावर सेक्टर की निजीकरण के या पूर्वांचल विद्युत वितरण लिमिटेड के निजीकरण के विरोध में कर रहे हैं। इससे जहाँ पर जनता को सब्सिडाइज रेट पर बिजली मिलती है, प्राइवेट होने के बाद वो सुविधा उन्हें नहीं मिल पाएगी जहाँ तक हम लोग समझते हैं। साथ ही साथ हमारे जो कर्मचारी हैं जो यूपी गवर्नमेंट से गवर्न होते हैं तो उनके ऊपर भी, उनके सर्विस के ऊपर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इसी के विरोध में जनता का ध्यान, सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए हम लोग प्रतिदिन लंच आवर्स में यहाँ एकत्र होते हैं और अपना विरोध प्रदर्शन करते हैं और सरकार से ये आग्रह करते हैं कि पिछली इतनी समस्याएं हैं उनको जब तक सॉल्व नहीं कर लेते हैं तब तक निजीकरण के बारे में तो सोचे ही ना, और देश की प्रदेश की जनता का हितों का ख्याल रखते हुए इस निजीकरण के प्रस्ताव को या कार्यवाही को। आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें यूथ कॉर्नर के साथ।